मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम आज मैं आपको फिर एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी के सुंदर पुस्तक प्रभात के पर्दे में जिसे मैं एक शास्त्र मानता हूँ अ स्क्रिप्चर ऑफ द न्यू एज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पुस्तक में गुरुदेव ने हमें एक एक दिन के लिए सुंदर शिक्षा दी है आइए देखें आज गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें इस पुस्तक में कौन सी शिक्षा देते हैं वे दे कहते हैं जब हृदय में निर्मल प्यार जागेगा तब दिल का कवल खिलेगा और हमें गुरु अपने आप मिलेगा हम कहते हैं गुरु कहाँ हैं गुरु कहाँ हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम गुरु की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और बार बार पुकारते हैं गुरु कहाँ हैं गुरु कहाँ हैं गुरुदेव हमें बार बार कहते थे गुरु का बाह्य रूप सच्चा रूप नहीं है गुरु का जो रूप आप लोग अपनी इन स्थूल आँखों से देखते हैं वह रूप सच्चा नहीं है यह रूप तो एक दिन गायब हो जाएगा हम अक्सर कहते हैं हमारे गुरु का कद पाँच फीट दस इंच है या छः फीट पर यह सत्य नहीं है गुरु का स्वरूप तो बहुत विशाल होता है द गुरु हैज एन ऑल पर वेडिंग फॉर्म हमें उस सच्चे स्वरूप को देखने का प्रयास करना चाहिए और यह उस व्यक्ति के लिए संभव होता है जिसके दिल का कमल खिलता है तब वह व्यक्ति पुकार उठता है अरे गुरु मिल गए गुरु मिल गए मेरे प्यारे भाई और बहनों आप जानते होंगे कि सिखों के महान गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे स्वयं को छिपा दिया था कई अन्य लोग थे जो गुरु होने का दावा करने लगे फिर एक दिन एक व्यापारी आया जो विदेश से अपनी किस्तियां लेकर आ रहा था रास्ते में वह तूफान से घिर गया उसने प्रार्थना की हे गुरुदेव मुझे इस तूफान से बचा लो मैं आपके चरणों में पाँच सौ सोने के सिक्के भेंट करूंगा तूफान थम गया और व्यापारी जिसका नाम था मक्खन शाह वह बच गया उसकी किश्तियाँ भी बच गई जब वह अपने नगर पहुंचा तो गुरु की तलाश में निकला तब उसने देखा कि कई लोग हैं जो गुरु होने का दावा कर रहे हैं उसने मन ही मन सोचा इनमें से जो सच्चा गुरु होगा वह सोने के सिक्कों की बात जानता होगा इस तरह सच्चे गुरु का पता चल जाएगा अब मखन शाह बारी बारी उन सभी लोगों के पास गया जो गुरु होने का दावा कर रहे थी उसने सबके चरणों में दो सोने के सिक्के रखे पर उनमें से एक भी व्यक्ति ने उसने पांच सौ सिक्कों की बात नहीं कही मखन शाह समझ गया कि वे सब गुरु नहीं ढोंगी है अंत में वह एक कुटिया में गया जहां गुरु तेग बहादुर जी रहते थे मखन शाह ने उनके चरणों में सिर झुकाया और दो सोने सिक्के रखे तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा क्यों मखन शाह तुमने तो पांच सौ सिक्के भेंट देने की बात कही थी यह सुनते ही मखन शाह समझ गया के गुरु तेग बहादुर जी ही सच्चे गुरु हैं और वह भाग कर अपने घर की छत पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा गुरु मिल गए गुरु मिल गए मेरे प्यारे भाई और बहनों हमारे साथ भी यही होता है जब हमारे दिल का कमल खिलता है तब हमें गुरु के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं और हम पुकार उठते हैं गुरु मिल गए गुरु मिल गए जब तक हम गुरु के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेते तब तक हमारा गुरु के साथ सच्चा संबंध पक्का संबंध नहीं जुड़ता डेथलेस लिंक ऐसा संबंध जो मृत्यु के बाद भी जुड़ा रहे हम अपना संबंध गुरु के शारीरिक रूप से जोड़ते हैं हम गुरु के शारीरिक रूप को ही सच्चा रूप मान लेते हैं फिर जब वह रूप लुप्त हो जाता है तो हम दुखी हो जाता है हम आंसू बहाने लगते हैं और कहते हैं गुरु हमें छोड़कर चले गए पर गुरु तो अमर है ही इज इटर्नल ही इज डेथलेस गुरु कभी नहीं मरते काश हम अपने दिल के कमल में गुरु के सच्चे स्वरूप के दर्शन करें मेरे प्यारे भाई और बहनों जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा रात दिन आंसू बहाने लगी वह बार बार पुकारती शाम तेरे दर्शन बिना मैं कैसे जीऊं मैं कैसे जीऊं फिर श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गए वहां से वे उद्धव को राधा को द्वारिका लाने के लिए कहते हैं उद्धव राधा को द्वारिका लेकर आता है श्री कृष्ण राधा को अपने महल में दो दिन ठहराते हैं तीसरे दिन वे राधा से कहते हैं अब तुम अपने घर लौट जाओ इस पर राधा कहती है मैं अपने घर कैसे जाऊं मेरे मीत मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ शाम तेरे दर्शन बिना मैं कैसे जीऊ मैं कैसे जीऊ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों तब श्री कृष्ण कहते हैं राधा राधा तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको और कर लो शाम का असली दीदार राधा आंखें बंद करती है और श्री कृष्ण की कृपा से अपने हृदय के कवल में दिव्य ज्योति देखती है दैट पॉइंट ऑफ लाइट दैट शाइन्स एंड शाइन एंड एवर शाइन्स और उस दिव्य ज्योति में उसे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं फिर वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने श्री कृष्ण को देखती है वह फिर से अपनी आंखें बंद करती है तो भी उसे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं वह खुशी से पुकार उठती है मुझे शाम मिल गया मुझे शाम मिल गया उसके बाद वह वृंदावन लौट जाती है और फिर कभी आंसू नहीं बहाती पर अब प्रश्न है कि यह दर्शन हमें कैसे मिले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन मेरे सच्चे स्वरूप का दर्शन तो केवल निज भक्ति द्वारा ही संभव है निज भक्ति की जरूरत है प्योर लव फॉर द लॉर्ड निर्मल प्यार आज गुरुदेव साधु वासवानी जी भी यही शिक्षा दे रहे हैं जब हृदय में निर्मल प्यार जागता है तब दिल का कमल खिल जाता है इसलिए निर्मल प्यार बहुत जरूरी है निज भक्ति बहुत जरूरी है दिस इज द वन थिंग नीडफुल जब तक हमारे मन में तृष्णाएँ हैं जब तक हमारे मन में वासनाएँ हैं तब तक हम अपने गुरु अपने प्रभु से दूर हैं क्योंकि एक एक तृष्णा एक एक वासना एक पर्दा है जो हमें अपने मीत से दूर रखता है तृष्णा एक दीवार है जो हमने अपने और अपने मीत के बीच खड़ी कर दी है जब तक हमारे भीतर तृष्णा है तब तक हमारे दिल में भक्ति कैसे जाग सकती है जब तक हमारे भीतर तृष्णा है, तब तक हमारे मन में निर्मल प्यार कैसे जाग सकता है जिस प्यार के बिना प्रभु का दर्शन पाना कठिन है हाय कठिन बहुत तुमको पाना है कठिन बहुत तुम तक आना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जैसे ही दोनों नदी में उतरते हैं गुरु शिष्य को गर्दन से पकड़ कर पानी में डाल देते हैं बेचारे शिष्य का दम घुटने लगता है वह मन ही मन कहता है अरे गुरु ये क्या कर रहे हैं ये तो मेरा दम निकाल कर ही रहेंगे बस एक बार मुझे सांस तो लेने दे वह जोर से चिल्लाता है अरे मेरा दम घुट रहा है मुझे छोड़ो पर गुरु उसे पानी से मुंह निकालने ही नहीं देते कुछ क्षणों के बाद गुरु इसकी गर्दन छोड़ देते हैं शिष्य पानी से बाहर अपना मुंह निकालकर कहता है गुरुदेव मुझे लगा कि आज आप मेरा दम ही निकाल देंगे उस समय गुरु ने उसे पूछा जब मैंने तुम्हें गर्दन से पकड़ कर पानी में डाला उस समय तुम क्या सोच रहे थे शिष्य बोला गुरुदेव मैं तो सब कुछ भूल गया मैं तो बस एक सांस लेना चाहता था देट आई मे गेट ब्रेथ ऑफ एयर मैं तो बस अपनी जान बचाने की सोच रहा था तब गुरु ने कहा जिस तरह तुम एक सांस लेने के लिए तरप रहे थे उसी तरह जब तुम्हारी जब तुम्हारे दिल में प्रभु को पाने की तरफ होगी तब तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे जब तुम बाकी की सारी बातें भूल जाओगे जब तुम्हारे दिल में केवल प्रभु को पाने की चाहत रह जाएगी तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों गुरुदेव साधु वासवानी जी हमसे बार बार कहते थे द हार्ट मस्ट बी एम टी ऑफ एवरी डिजायर यदि हम अपने दिल में झांक कर देखें तो हम पता चलेगा कि वहाँ कितनी सारी तृष्णाएं हैं जब दिल को केवल प्रभु की जरूरत होगी जब दिल को केवल दर्शन की चाहत होगी फिर आंखें उठा कर देखो तो हर जगह आपको एक दिव्य ज्योति ही नजर आएगी मेरे प्यारे भाई और बहनों हमारे भीतर जो भी विचार उठते हैं जो भी भावनाएं उठती हैं वे अपनी छाप छोड़ जाती हैं। लीव अ मार्क बिहाइंड एक एक विचार अपना निशान छोड़ जाता है और कई बार ये निशान हमारे चेहरे पर जाहिर हो जाते हैं देखिए जब कभी हमें हमारे चेहरे का रंग ही बदल जाता है हमें गुस्सा आया और उसका निशान हमारे चेहरे पर साफ झलकने लगा ठीक उसी प्रकार यदि हमारे दिल में प्रभु के प्रति प्यार जागे तो हमारे चेहरे का रंग ही बदल जाए ओम शांति शांति शान्तिः